जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता हूं, लोकसभा में बात की, वैसे ही कैमरा उधर हो जाता है। मैंने एक आंकड़ा निकाला, हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। सड़क पे रात को हजारों युवा शराब पिए सड़क पर लेटे हुए वाराणसी में, बाजा चल रहा है, शराब पी पी के पूरा आपके आपके युवा वाराणसी में नाच रहे। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निवेदन को, निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका की वीआईपी सीट पर आज ऐसे संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे जहां के पूर्व सांसद राहुल गांधी रह चुके हैं और वर्तमान में स्मृति ईरानी सीट पर सांसद हैं। मोदी सरकार जब साल 2014 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तो स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई और इसके बाद उन्हें कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया। राजनीति में आने से पहले स्मृति तुलसी के तौर पर घर घर में प्रसिद्ध हुई थी। टेलीविजन धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी का उनका किरदार था। कभी स्मृति ईरानी डिग्री को लेकर विवाद में रही तो कभी रोहित वेमुला और जेएनयू मामले को लेकर विवाद में रही। कभी सबरीमाला मंदिर मामले को लेकर विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा कि पूजा करने का अधिकार है लेकिन मंदिर को अपवित्र करने का अधिकार नहीं। लेकिन इस सब के बीच में एक तरफ चर्चा है कि अमेठी से स्मृति ईरानी का पत्ता कट सकता है। पत्ता इसलिए क्योंकि वरुण गांधी अमेठी से निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस दोनों ने समर्थन देने की बात कही है, क्योंकि बीजेपी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट सकती है और पीलीभीत पर उनकी मां मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से वर्तमान में सांसद है उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर तैयार नहीं है, वो पूरी तरह से उनकी तैयारी नहीं हुई है, जबकि अमेठी पारंपरिक सीट कांग्रेस पार्टी की रही है। इस गढ़ में लोग अब दूसरे गांधी ढूंढ रहे हैं, वरुण गांधी, और उनके पक्ष में लोग बयान भी दे रहे हैं। जब से राहुल गांधी 2019 में अमेठी से बीजेपी के स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए, तब से उन्होंने अपने पारिवारिक निर्वाचन क्षेत्र अमेठी को फिर से हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी फिर से वायनाड से ही चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने वाले। हालांकि राजनीति और विवादों का नाता पुराना है, कब क्या कौन बोल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है और 2019 में अमेठी से राहुल गांधी की छुट्टी कराने वाले स्मृति ईरानी को लेकर अमेठी के जनता एक्सपर्ट क्या मानते हैं। वीआईपी सीट में देश किसका के वीआईपी सीट पर हम ये पूरा समीकरण लेकर आते हैं और ये पूरा समीकरण को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि अमेठी के एक्सपर्ट क्या कहते हैं, वहां के स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है, उसके बाद आपको पूरा समीकरण बताएंगे। अभी भाजपा के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी कांग्रेस का उम्मीदवार तय नहीं है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी, या फिर अखिलेश और राहुल गांधी मिल करके वरुण गांधी को लड़ाएंगे। तो अब अटकलों पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब देखा जाए कि चुनाव की स्थिति क्या है तो देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और राम मंदिर उद्घाटन के बाद तो निश्चित रूप से पूरे देश में भाजपा के पक्ष में एक माहौल और गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। अमेठी की बात करें तो अमेठी में भी जिस तरह से स्मृति ईरानी ने भी अपने वादे की पूर्ति किया कि उन्होंने कहा था कि नहीं हम अमेठी में घर बना लेंगे, तो अब उनका घर बन गया है, घर पे ही उन्होंने अपनी सुनवाई शुरू कर दिया है।
जनता की बात सुन रही हैं। तो देश और अमेठी के सिनेरियो को अगर जोड़ के देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अमेठी का भी माहौल भाजपा के पक्ष में है। जनसंवाद यात्राओं में जुट रही भीड़ भी बताती है कि लोगों को इस पार्टी की सरकार जो चल रही है केंद्र और प्रदेश में, उससे कहीं ना कहीं संतुष्टि भी है और आशाएं भी बंधी हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि 2024 में अमेठी में भाजपा चुनाव जीत सकती है। लेकिन अब यह निश्चित रूप से तय होगा, राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी या वरुण गांधी लड़ेंगे, तो उस समय भी पता चलेगा कि क्या माहौल बनता है। लेकिन अगर वो लोग भी लड़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि गांधी परिवार के लड़ने से कुछ यहाँ बदलाव की स्थिति आएगी। जनता बहुत होशियार हो गई है, किसी का सही सही मत तो नहीं जाना जा सकता है कि क्या है, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं प्रिंट मीडिया में रहते हुए, उससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जनता जो है कहीं ना कहीं कोई अच्छा प्रत्याशी ढूंढ रही है। सांसद की स्मृति ईरानी की जो कार्य है वो मैं समझता हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि वो काफ़ी अच्छा है और जनसंवाद के जरिए वो काफ़ी पैठ बना चुकी हैं और बनाती चली भी जा रहे हैं, जिसका 2024 में इसका लाभ मिलेगा उनको। अभी तो पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। जो वर्तमान सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। गांधी परिवार से लंबे समय बाद कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए थे, लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि वो यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अभी कोई समीकरण की बात कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस का लंबे समय तक यहाँ से सांसद रहा है और उस परिवार, गांधी नेहरू परिवार की बात करें, कांग्रेस की नहीं, उस परिवार की अगर बात करें तो सीट गढ़ के रूप में जानी जाती थी और उस गढ़ को पिछले चुनाव में ध्वस्त किया स्मृति ईरानी ने, और ध्वस्त करने के बाद लगातार जनता से जुड़ी रही। तो चीज़ें दोनों तरफ हैं, उनका भी एक इमोशनल अटैचमेंट था, इस वजह से वे लगातार इलेक्शन यहाँ जीतते जा रहे थे और उसी की काट के रूप में अमेठी की दीदी बनी स्मृति ईरानी, और अभी आवास भी उन्होंने यहाँ बना लिया है और भावनात्मक रूप से और विकास के सहारे भी लगातार अमेठी से जुड़ी हुई हैं। तो फाइट तो अगर परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से क्लोज फाइट होगी, कोई ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव पूरी तरह से एक तरफा किसी के पक्ष में रहेगा। वैसे तो अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दौरान भी राहुल गांधी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बाद में खेल बदल गया। 2014 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए कि इस पर किसका ज्यादा पलड़ा भारी रहा, तो 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम को देखें तो राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतरे, जो कि 4,08,651 वोट उन्हें मिला और जीत दर्ज भी किए। 46.71% वोट प्रतिशत रहा था। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी उतरी थी जो जीत नहीं पाई 2014 में, 3,748 वोट उन्हें मिला था और इसके अलावा 34.38% वोट प्रतिशत रहा। बसपा की तरफ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह मैदान में उतरे, जिन्हें 57,716 वोट ही मिल सका, 6.60% वोट प्रतिशत रहा। और आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर कुमार विश्वास को मैदान में उतारा गया था अमेठी से 2014 में, और वो सिर्फ 25,527 वोट ही पा सके, 2.92% उनका वोट प्रतिशत रहा। 2014 लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरे, लेकिन राहुल गांधी के सामने कोई भी टिक नहीं सका। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में यह समीकरण पूरी तरह से बदल गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के सामने अमेठी से स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा, इसके बाद परिणाम कुछ अलग ही निकला। ईरानी इस बार लोकसभा में जीत गई और राहुल गांधी चुनाव हार गए। हालांकि राहुल गांधी दो जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, अमेठी और वायनाड से। अमेठी से हार गए तो वायनाड से सांसद रहे। अमेठी में अगर 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी के स्मृति ईरानी जीती, जिन्हें 4,68,514 वोट मिले, 49.71% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के राहुल गांधी दूसरे नंबर पर रहे, राहुल गांधी को 4,13,394 वोट ही मिल सके, 43.84% वोट प्रतिशत रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी दो सीटों से मैदान में उतरे थे, अमेठी और वायनाड। अमेठी जिस सीट पर कभी उनके पिता राजीव गांधी जीते, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी जीतकर संसद पहुंची, उस सीट पर राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव में हार गए, वो भी स्मृति ईरानी से। हार के कई कारण भी निकलकर सामने आए। सबसे बड़ा कारण ये निकला कि राहुल गांधी पर लगातार स्मृति ईरानी हमलावर रहीं और अमेठी में एक्टिव भी रहीं।
लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी की जनता क्या सोचती है वो सुनना भी जरूरी है। क्या क्या काम किया कुछ बताइए, थोड़ा विस्तार बताइए। तमाम सड़कें नई हो गई, तमाम नई योजनाएं आई हैं, तमाम परियोजनाएं ला रही हैं और तमाम तरह के विकास कर रही हैं। मतलब अमेठी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा की तुलना की जाए तो आपको कौन सी पार्टी बेहतर लग रही है? भाजपा भाजपा बेहतर लग रही। मतलब 2024 में भी अगर टिकट दिया जाए तो स्मृति ईरानी आपके लिए सही है चेहरा कि कोई और? वही जीतेंगे, वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं। ज्यादा क्या नाम है आपका? शिव बहादुर। कैसे देख रहे हैं सांसद स्मृति ईरानी आपके यहाँ है, उनके काम से कितना संतुष्ट है आप? सब संतुष्ट है, बहुत सही। क्या काम? सब जो करते हैं ठीक करते हैं। अच्छा, अरे जो होता है सब सही है। कैसे देख रहे हैं स्मृति ईरानी का जो यहाँ काम है, कितना संतुष्ट हैं आप लोग? हम संतुष्ट, हम उनके काम से संतुष्ट हैं, काम अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होने की उम्मीद रखते हैं उनसे कि अच्छा कार हो। हमारा एक केंद्रीय विद्यालय यहाँ आ गया है, हमारे बच्चों के लिए, अच्छी भविष्य के लिए जो भी कार हुआ है अच्छा ही हो रहा है। अब सोच ही है कि अच्छा ही कार हो आगे, हमारी सोच है कि अब भी अगर भाजपा ही आ जाए अच्छी ही बात है। अच्छा, दोनों पार्टी में बात अगर करें कांग्रेस भाजपा को लेकर तो दोनों बात के पक्ष की बातें हैं कि जैसे कि वर्तमान में स्मृति हमारी बेहतर, तो इस समय पे वर्तमान में स्मृति ईरानी दीदी हमारी ही हैं और कांग्रेस से हमारे राहुल गांधी जी यहाँ 15 साल संसदीय रह चुकी हैं और उन्होंने कुछ काम अच्छा नहीं कर पाए फिलहाल। वो भी अगर आपकी जीत, उनका भी चांस 60% लगता है कि जीत सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो भी काम अगर कर सकते हैं तो काम अगर करे होते तो ये बहुत अच्छे से जीत से हासिल करते यहाँ से। अच्छा, कितना संतुष्ट है, क्या क्या काम किया कुछ बताइए। हमारे यहाँ ओवरब्रिज बन गया और फ्लाई ओवर बन गया, रेलवे वाला, यहाँ केंद्रीय विद्यालय बन गया, यहाँ कृषि भवन आ गया, और ऐसे से बहुत काम है, हो रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं। लोग ने यहाँ पे गांधी को देखा है, राजीव गांधी को भी देखा है, बहुत पुराने से देख रहे हैं, तो उस दौरान और आज भाजपा है, दोनों में अगर तुलना करें तो कौन बेहतर आपको? बेहतर तो यही है भाजपा। हाँ, अगर वो बेहतर होती तो इस कगार पर ना पहुँचती जिस कगार पर पहुँच गई है। हाँ, ये लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि कोई काम हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो झूठ लोग बता रहे हैं ये काम हो गया वो काम, जैसे केंद्रीय विद्यालय का है, किसी भवन का है, किसी भवन उनके पहले का है जब सांसद नहीं थी, तब ये लोग झूठ बोल रहे सड़क कोई बनी ही नहीं है, लोग बता रहे हैं ये सड़क वो सड़क, तो चापलूसी तो हम करेंगे नहीं ना, हमको कुछ मिला है तो अपना अपना सब उल्लू सीधा करें, काम तो कुछ नहीं हुआ है। जैसे फ्लाई ओवर वगैरह ये तो बड़ी चीज़ें हैं इसके, लेकिन सांसद उनके जो क्षेत्रीय काम होता है क्योंकि सुने ना सुने, वहाँ जो उनसे शिकायत कर दे वो तो उसको डांट देती हैं, अपनी बात भी न कह पाए जनता, इसका तो कोई अर्थ नहीं है भाई, जहाँ तक हम समझते हैं। सांसद स्मृति ईरानी है, भाजपा की प्रत्याशी भी हैं, क्या लगता है प्रत्याशी ठीक है कि बदलना चाहिए इनको? भाजपा जाने उसको अच्छी है कि बुरी है, उनके लिए क्या काम किया है, पार्टी के हित में क्या काम किया उसको पार्टी जानेगी, हमारे लिए तो ठीक नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का भी दौर आपने देखा होगा क्योंकि आपने बहुत से नेता यहाँ देखे हैं, क्योंकि क्या लगता है कांग्रेस और भाजपा में अगर बात करें तो कौन बेहतर है? यहाँ तो जो कुछ भी दिखाई आपको पड़ रहा है, सब अपने सर पे अगर हाथ रख के कसम खा के कह दें तो कांग्रेस के अलावा किसी ने कुछ किया ही नहीं है। जो भी आप देख सकते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे HL हो, BHL हो, कुछ भी हो, स्टेशन हो, सब कांग्रेस की ही देन है यहाँ। अब ये है कि अब समय बदल गया, सब जिसका बन रहा है उसी को सब पीछे लगे हुए हैं, सबको दलाली करना है और सही बात कोई बोलेगा भी नहीं। सरकारें बहुत आई गई लेकिन इस समय जो काम हो रहा है वास्तव में काम बढ़िया हो रहा है, तो ये अभी तो चाचा कह रहे थे कि ये कुछ काम ही नहीं हुआ है, गांधी परिवार ने यहाँ पे बड़ा विकास किया। ये सब कहने की बातें हैं, चूंकि समय समय पर जो है, जैसे ये है कि जो आपके समय में जो चीजें थी वो हमारे समय में नहीं है, इनके समय में चीजें जो रही होंगी, और जो हम लोग देख रहे हैं जो आगे जो है आने वाले समय में जो है शायद कुछ उनसे बेहतर मिलेगा जो है, लेकिन आज के समय में जो देखा जाए तो विकास बहुत बेहतरीन हुआ है, रोजगार मुद्दा ये सब चीजें हैं। और भी कुछ लोग उनसे जान लेंगे। ये क्या नाम है? फुलचंद। आपने बड़ा देखा होगा यहाँ पे गांधी परिवार में, राजीव गांधी को देखा है, राहुल गांधी को देखा है, स्मृति ईरानी को भी देखा है, तो क्या तुलना करेंगे, कौन सी पार्टी बेहतर है? पार्टी भैया स्मृति ईरानी काम ठीक हो रहा है। हाँ।
क्या क्या हुआ कुछ बताएंगे? अरे हम क्या बताएं, क्या क्या जो हो रहा है अच्छा हो रहा है हमारे लिए बस। अब उन्होंने काम किया है, अब उसको इग्नोर करने का कोई अर्थ नहीं होता है। अब ये कह लीजिए कि जो काम पहले हुए वो तो हुए, लेकिन अब वही जो पहले की बात रहेगी वही चलती रहेगी, कोई उसमें नया काम भी आए तो नया काम में जो अमेठी में दिखाई दे रहा है तो काम तो दिखाई दे रहा है भाई। अब जैसे जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर अमेठी जिले का केंद्रीय विद्यालय कृषि उप कृषि निदेशक ऑफिस यहाँ बना हुआ है ताला में, और अब आप जान लीजिए कि सड़कों का भी जीर्णोद्धार हुआ है, सब बढ़िया बना है, काम हो रहा है। तो इस सीट पर जातीय समीकरण को देखें तो 2011 के जातीय जनगणना के अनुसार से तो 4,61,374 वोटर्स हैं, करीब 26.5% इनकी आबादी, 70.79% साक्षरता है, ग्रामीण वोटर्स 16,66,170 हैं जो कि 95.7% है, और शहरी वोटर 74,864 जो कि करीब 4.3% आता है। 2019 में ये डेटा बदल गया और 2019 में यहाँ पर कुल वोटर 17,41,034 वोटर्स की गिनती हुई, लेकिन इसके बाद अगर जातीय आबादी की बात की जाए तो बौद्ध धर्म से यहाँ पर 0.02% है, ईसाई धर्म के लोग 0.11%, जैन धर्म के 0.01%, मुस्लिम धर्म के 19% और अनुसूचित जाति के 26.5%, अनुसूचित जनजाति के कोई भी आबादी नहीं दिया गया है इस डेटा में, सिख समुदाय के 0.07% आबादी बताई गई है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, तिलोई, सलोन, जगदेशपुर, गौरीगंज और अमेठी। ये निर्वाचन क्षेत्र उत्तर में बाराबंकी और फैजाबाद, पश्चिम में रायबरेली, पूर्वी में सुल्तानपुर और दक्षिण में प्रतापगढ़ से ये पूरी तरह से घिरा हुआ है। 1967 में अमेठी जिले को बनाया गया था और इसके पहले सांसद कांग्रेस के ही विद्याधर वाजपेयी बने जो संसद पहुंचे 1967 में चुनाव जीतकर। अगर लोकसभा चुनाव, सांसद और पार्टी की बात करें तो 1967 और 1971 में विद्याधर वाजपेयी जो कांग्रेस से थे वो जीते, 1977 में रविंद्र प्रताप सिंह जनता पार्टी से जीते, 1980, 1981, 1984, 1989 और 1991 में राजीव गांधी कांग्रेस से जीते, और 1991 में जब उनकी हत्या हो गई उसके बाद इस सीट पर सतीश शर्मा को मैदान में उतारा गया, और इसी बार उपचुनाव हुआ तो 1991 से 1996 तक कांग्रेस पार्टी के सतीश शर्मा चुनाव जीते। 1998 में संजय सिंह बीजेपी की तरफ से जीते और 1999 में इस सीट से सोनिया गांधी उतरी जो जीत भी गईं, और 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी इस सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2019 में समीकरण बदल गया, 2019 में स्मृति ईरानी अभी 2024 तक रहेगी, अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है, देखने वाली बात ये होगी कि जनता इस बार किसे चुनती है। बात अगर स्मृति ईरानी के पर्सनल लाइफ की करें तो विवादों वाले स्मृति ईरानी 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ी थी लेकिन तब वह चुनाव हार गई थी, इस बार उन्होंने दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ा 2019 में। नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में स्मृति ईरानी पहले शिक्षा मंत्री रहीं, इसके बाद उन्हें कपड़ा मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। स्मृति ईरानी का जन्म दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में 23 मार्च 1976 को हुआ था, पिता पंजाबी और माँ बंगाली हैं। 3 भाई बहनों में स्मृति सबसे बड़ी हैं। परिवार की मदद के लिए स्मृति ने 10वीं कक्षा के बाद ही सौंदर्य उत्पादों का प्रचार करती थी और इसके बदले में उन्हें 200 रुपए मिला करते थे। उसके बाद वो मुंबई चली गईं। मुंबई में शुरुआती में स्मृति ने मैकडॉनल्ड्स में काम किया। स्मृति ने मुंबई में टीवी इंडस्ट्री में भी ऑडिशन देना शुरू किया। उसके बाद 2001 में स्मृति ने पारसी व्यवसायी जुबीन ईरानी से शादी कर ली। 2 बच्चे हैं उनके। स्मृति ने इस अभिनेत्री नीलम कोठारी को रिप्लेस कर ओ लाला ला शो को होस्ट किया और फिर उन्हें एकता कपूर के सीरीज क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम मिला। मुख्य किरदार पर वो इस सीरियल में दिखी भी गई। उसके बाद वो घर घर में तुलसी के नाम से फेमस भी हो गई। इसके बाद स्मृति ईरानी ने यह है जलवा शो होस्ट किया। इसके बाद स्मृति ईरानी राजनीति में आ गई। 2003 में राजनीति में स्मृति ईरानी आई और बीजेपी में शामिल हो गई। उन्हें महाराष्ट्र यूथ विंग्स का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2004 में स्मृति चांदनी चौक से कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ी पर हार गई, लेकिन उन्हें बीजेपी की केंद्रीय समिति की एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया। 2010 में स्मृति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और महिला विंग्स के अध्यक्ष बनाई गई।
2014 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव वो हार गई। उसके बाद 2019 में उन्होंने दोबारा किस्मत आजमाया और इस बार 2019 में वो जीत गई। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है, ऐसे में अब जनता तय करेगी कि 2024 में जनता किसे चुनकर सांसद पहुंचाती है। अधिकतरी पुस्तक